सब्सक्राइब कीजिए नेहा की पाकशाला चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा पांडे और स्वागत है आपका मेरी किचन नेहा की पाकशाला में। भिंडी की सब्जी तो बहुत तरीके से बनाई जाती है और आज मैं आपके साथ अचारी भिंडी की एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप जब भी इस तरह से भिंडी की सब्जी को बनाएंगे तो आपके घर में सभी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो चलिए हम अचारी भिंडी बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए हमने यहाँ पर आधा किलो भिंडी को थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर लिया है। आप किसी भी शेप में भिंडी को काट सकते हैं। सरसों का तेल 4 बड़े चम्मच, 2 मीडियम साइज के टमाटर कद्दूकस किए हुए, 1 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच जिंजर चिली पेस्ट, 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग, 2 चुटकी मेथी दाना, 2 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब एक कढ़ाई लेंगे और 1.5 चम्मच सरसों का तेल कढ़ाई में डालेंगे। गैस को ऑन करके हाई फ्लेम पे रखेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है तो ये भिंडी हम इसमें डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच के बराबर हम इसमें नमक भी डाल देंगे जिससे कि भिंडी जल्दी से पक जाएगी। भिंडी को हम तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम हाई फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए ही पकाएंगे और बिना ढके ऐसे ही खोलकर इसे पका लेना है। तो ये जो भिंडी का कलर है वो बढ़िया ग्रीन रहेगा और 5 से 6 मिनट में ही भिंडी पककर के तैयार भी हो जाएगी। भिंडी जो है वो अच्छे से पक गई है। ये देखिए, ये बढ़िया से सॉफ्ट भी हो गई है। तो हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे और अमचूर पाउडर को भिंडी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अमचूर पाउडर डालने से जो भिंडी का लिसलिसापन होता है, जो उसमें तार छूटते हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। आप अमचूर की जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अमचूर डालने के बाद इसमें बिल्कुल भी लिसलिसापन नहीं है, बिल्कुल भी तार नहीं छूट रहे हैं। तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और भिंडी को एक अलग बोल में निकाल लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में हम वापस से 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है तो अभी हम गैस को मीडियम लो कर देंगे जिससे कि जो मसाले हम इसमें डालें वो जले नहीं। तो अब हम इसमें डालेंगे हींग, मेथी दाना और जीरा। इन सबको हम तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिंजर चिली पेस्ट डालेंगे, इसको भी तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 सेकंड के लिए इसको पका लेंगे जिससे कि जो इसका कच्चापन है वो खत्म हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सारे मसालों को भी तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कद्दूकस किए हुए टमाटर हम इसमें डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच के बराबर नमक और डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे टमाटरों को और गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम टमाटरों को पकाएंगे जब तक कि इनसे तेल न छूटने लगे। टमाटर जो है वो अच्छे से पक गए हैं और इनसे तेल भी छूटने लगा है। तो जो भिंडी हमने पका कर रखी है वो हम इसमें डालेंगे और हल्के हाथ से भिंडी को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे सौंफ पाउडर और गरम मसाला। इनको भी भिंडी में अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भिंडी को अच्छे से भून लेंगे। अब लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को अब हम ऑफ करेंगे और इस टेस्टी अचारी भिंडी को हम सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। ये अचारी भिंडी खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है और लंच या डिनर में आप इसको साइड डिश के रूप में ले सकते हैं। तो आप इस तरह से बढ़िया मसालेदार अचारी भिंडी बनाइए और रोटी, पूरी, पराठे या फिर दाल चावल जिसके साथ भी आपका मन करे उसके साथ इसको खाइए। और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।